गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के मेरे वीडियो में हम फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है वो स्टडी करेंगे। तो जब भी किसी दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसको उसके फ्लो को डाटा पैकेट्स के को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं उसको फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसमें दो तरीके के चैनल्स के लिए, अगर आपका चैनल नॉइसलेस चैनल है, किसी भी तरीके का उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है, तो ये चैनल जो है बिल्कुल नॉइसलेस चैनल होगा, तो उसके लिए आप स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अगर आपका नॉइजी चैनल है तो उसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होती है, वेरियस टाइप ऑफ, जैसे यहाँ पे तीन टाइप ऑफ हमारे पास में स्टॉप एंड वेट ARQ है, गोप वेप एंड ARQ है, सेलेक्टिव रिपीट ARQ है। तो अब हम स्टडी करते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है वो दो अजम्पशंस पे काम करती है। एक तो आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम ये अज्यूम करते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा, और इसमें नो एरर अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई भी एरर उसमें नहीं होगी, कोई भी पैकेट्स का कोलिजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, इसकी वर्किंग की काम बात करते हैं तो क्या होगा, सेंडर जो है वो कोई पैकेट भेजेगा, डेटा पैकेट। रिसीवर को जब डेटा पैकेट मिलेगा तो रिसीवर डेटा पैकेट को प्रोसेस करने के बाद इस डेटा पैकेट को एक्नॉलेज करेगा। सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिला और आफ्टर सीइंग द एक्नॉलेजमेंट सेंडर नेक्स्ट जो है पैकेट सेंड करेगा। तो ये सिंपल है, ये कम्युनिकेशन सिंपल है। सेंडर एक पैकेट सेंड कर रहा है, रिसीवर उसको रिसीव करके एक्नॉलेज कर रहा है, फिर सेंडर नेक्स्ट पैकेट सेंड कर रहा है। ये है, इसका नाम स्टॉप एंड वेट क्यों है। सेंडर ने एक पैकेट सेंड कर दिया, फिर वो रिसीवर का वेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। तो वो सेंडर जो है एक पैकेट सेंड करके वेट करता है, स्टॉप कर देता है, फिर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो अगेन सेंडिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है, अब अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसमिशन कैरिड आउट होता है। अगर डिटेल में हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जो सेंडर है आपका, सेंडर उसको डेटा पैकेट को रेडी करेगा। डेटा पैकेट को रेडी करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो टाइम उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन डिले, उस डेटा पैकेट को रेडी करने के लिए। फिर वो चैनल पे डाल देगा, और चैनल पे जब वो सिग्नल प्रोपगेट करेगा, वो डेटा पैकेट प्रोपगेट करेगा रिसीवर तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन डिले। अब जब आपके पास में डाटा पैकेट रिसीवर के पास में आ गया तो उसके पास में भी बहुत सारे पैकेट होंगे प्रोसेस करने के लिए, तो उसको जो टाइम चाहिए, क्यू में लग जाएंगे आपके पैकेट्स, उसको क्यूइंग डिले बोलेंगे। फिर उसके बाद वो जो है उसकी प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, डाटा पैकेट को देखेगा कि डाटा पैकेट में क्या डाटा है, फिर उसका तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिले। तो ये तो हो गया पहले आपका टाइम लगा डाटा पैकेट के लिए। फिर उसके बाद जो अक्नॉलेजमेंट के लिए है उसके लिए भी सेम टाइम लगेगा। अक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजेगा तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर सबसे पहले, आप अगर इस डायग्राम से देखें तो आपको बहुत इजी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो डिले लगी जिसमें सेंडर ने डाटा पैकेट को रेडी किया वो क्या है, ट्रांसमिशन डिले। उसके बाद जो पैकेट है वो रिसीवर तक पहुंचा चैनल से प्रोपगेट करके, तो जैसा कि नाम है प्रोपगेट करके, तो वो हो गई प्रोपगेशन डिले। अब उसके बाद जब यहाँ आ गया पैकेट तो वो क्यू में लग जाएगा, और ये क्या हो गई, क्यूइंग डिले। फिर उसके बाद आपका जो रिसीवर है वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा तो वो उसका हो गया प्रोसेसिंग डिले फॉर द पैकेट। अब एक्नॉलेजमेंट को भी रेडी करेगा, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट रेडी करेगा तो वो ट्रांसमिशन डिले हो गई। उसके बाद वो उसको जब उसने ट्रांसमिट कर दिया तो आपका एक्नॉलेजमेंट चैनल से जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट चैनल से प्रोपगेट कर रहा है, तो ये हो गया प्रोपगेशन डिले। सिमिलर वे में जो सेंडर है जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिला तो वो क्यू में लग जाएगा।
अक्नोलिजमेंट आपका सेंडर की क्यू में, तो उसको क्यूइंग डिले बोलेंगे, फिर सेंडर जो है इसको अक्नोलिजमेंट को प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेसिंग डिले। तो ये होता है टोटल टाइम टेकन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन पैकेट। ये क्या है, टोटल टाइम टेकन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन पैकेट। तो इसमें आपके पास में डाटा पैकेट को सेंड करने के लिए चार टाइप की डिले है, सेम चार टाइप की डिलेज जो है आपको अक्नोलेजमेंट के लिए है। तो ये हमारा जो है टोटल टाइम पैकेट और अक्नोलेजमेंट के लिए इन सब डिलेज का जो सम है वो एक डाटा पैकेट कम्युनिकेशन के लिए, एक डाटा पैकेट सेंड और रिसीव करने के लिए ये टोटल टाइम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।